हाय फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर मीनल और आप देख रहे हैं मीनल का चैनल। तो स्वागत है आपका मेरे इस चैनल पे। हम यहां कर रहे हैं डेली डाइजेस्ट, जहां कि हम करते हैं रोज क्वांटिटेटिव मेथड्स का एक क्वेश्चन। तो देखते हैं क्या है आज का क्वेश्चन, देखिए आपकी स्क्रीन पे। तो फ्रेंड्स देखिए, ये है हमारा आज का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। इट इज गिवन दैट इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इन द डिमांड कर्व ऑफ द फॉर्म एक्स इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ पी इज ए माइनस बी P, where A and B are the constants, find the demand curve. तो क्या दे रखा है हमें, elasticity of demand दे रखा है एक demand curve का, और वो demand curve हमको find out करना है। elasticity of demand में A और B जो है वो constant है, और क्या form है demand की, अगर demand X है तो X is function of P, तो जो X है वो price का function है। तो सबसे पहले तो इसके लिए क्या है, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड हमें दे रखा है, क्या होता है हमारा इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का फॉर्मूला हमको लिखना पड़ेगा। तो फटाफट कमेंट बॉक्स में लिखिए क्या होता है फॉर्मूला। ये होता है डी एक्स अपॉन डी पी इंटू पी अपॉन एक्स, ठीक है, ये हमको दे रखा है। तो ये जो दे रखा है ये किसके बराबर है, ए माइनस बी पी। छोटा सा क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन है ये। तो ये इस फॉर्म में हमको दे रखा है। अब हमको क्या करना है, हमको निकालना है डिमांड कर्व। डिमांड कर्व दे रखा है, अब यहाँ पे इलास्टिसिटी है और इसे डिमांड कर्व दे रखा है। तो डिमांड कर्व का देखिए फॉर्म कैसा होगा, ये लिखा है एक्स इज फंक्शन ऑफ पी। तो इस फॉर्म का जो है हमारा डिमांड कर्व होगा वो हमको निकालना है, ठीक है। इस फॉर्म का डिमांड कर्व होगा जो कि हमको कैलकुलेट करना है, और ये हमारे पास गिवन है। तो देखिए जाहिर सी बात है dx अपॉन dp मार्जिनल फॉर्म दे रखी है, और टोटल में हमको निकालना है, तो हम उसको डिफरेंशियल इक्वेशन से ही सॉल्व कर सकते हैं। इसको जो ये जो इक्वेशन गिवन है इसको थोड़ा सा हम रीअरेंज करते हैं, dx के साथ x की टर्म्स रखते हैं, ठीक है, ये और ये मैंने इधर रख दिया, और ये वाली जो टर्म्स है मैं इनको इधर ले जाती हूँ। तो यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, ए माइनस बी P अपॉन, ये जो P है ये नीचे चला जाएगा तो अपॉन P, और ये जो नीचे dP है ये ऊपर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा dP, ठीक है। अब x कैलकुलेट करना है, इसको इंटीग्रेट कर देते हैं दोनों साइड से, ठीक है, ये हो जाएगा विद रेस्पेक्ट टू x, ये विद रेस्पेक्ट टू, यहाँ पे dx और dP इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा। अब देखिए 1 अपॉन x जो है, 1 अपॉन x का हमारा इंटीग्रेशन ये क्या होगा, ये होगा log x, ठीक है, जिसका कि बेस e होता है। तो ये 1 अपॉन x का हमारा जो इंटीग्रेशन है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा हमारा log x, और उसी हिसाब से अब हमको सॉल्व करना होगा। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, यहाँ पे मैं लिखूंगी log x, इसका इंटीग्रेशन आ जाएगा, ठीक है। कॉन्स्टेंट दोनों का एक साथ हम पीछे ही एड कर देंगे। अब यहाँ पे देखते हैं ये क्या बचा है, ये अपॉन पी था, मैंने बी गलती से लिखा है, पी था, ए अपॉन पी। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो ये भी देखिए ए तो है कांस्टेंट, तो हमारा एज इट इज हम लोग लिख लेंगे, लेकिन ये जो पी है ये क्या है, वन अपॉन पी, तो फिर से इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, लॉग पी माइनस, अब यहाँ पे ये जो टर्म है मैं बी पी अपॉन पी है, तो पी से पी कैंसिल हो गया, सिर्फ बी बचा, तो दैट मीन्स इसका जो इंटीग्रेशन है वो क्या आएगा, बी का इंटीग्रेशन बी पी अपॉन वन, प्लस हमको इसमें ऐड करना है एक कांस्टेंट, तो ये तो हमारा आ गया इंटीग्रेशन। अब ये लॉग एक्स आया है लेकिन हमको चाहिए एक्स की टर्म में, तो एक्स की टर्म में लेने के लिए हम क्या करेंगे, हमको कुछ नहीं करना है, हम अगर दोनों तरफ लॉग ले लें, दोनों तरफ से सॉरी लॉग ई बेस ले लें अगर हम, तो यहां से ये लॉग हटा सकते हैं, ये लॉग के थंब रूल्स हैं फंडामेंटल्स। यहां पर x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, e रेस टू a log p माइनस b p प्लस c, ठीक है, ये आ जाएगा। मैंने यहां पे e की पावर ले ली दोनों तरफ e, तो यहां से ये लॉग हट गया, ठीक है, e बेस ले लिया। तो अब इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखें, x इज इक्वल टू यहाँ पे क्या आ जाएगा, x इज इक्वल टू a जो है, अब a तो अपना है कांस्टेंट, इसको अपन ऊपर भी ले सकते हैं, p रेस टू a भी अपन लिख सकते हैं, ठीक है,
तो इसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाइड फॉर्म में अपन लिख देते हैं, यहां पर e log p raise to a, ठीक है, माइनस b p प्लस c। अब देखिए यहाँ पे e की पावर log है, इसको थोड़ा सा हम इसको अलग कर देते हैं, तो यहाँ पे ये e जो है log base e है और e की पावर log, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पे वापस वही आ जाएगा अपना, सिर्फ p रेस टू a बचेगा, ठीक है, फिर इंटू e रेस टू व्हाट, माइनस b p प्लस c। तो ये इसका सिंप्लीफाइड फॉर्म में ये क्या आ गया, जो है हमारा रिक्वायर्ड डिमांड फंक्शन, हमारा जो रिक्वायर्ड डिमांड फंक्शन है वो आ गया। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है इसमें हमें इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड दे रखा था, हमने डिमांड कर्व को फाइंड आउट किया, डिमांड कर्व हमने निकाला, और इसके लिए हमने क्या क्या यूज किया, एक तो हमने डिफरेंशियल इक्वेशन यूज किया और दूसरा हमने लॉग की जो प्रॉपर्टीज हैं, लॉग की प्रॉपर्टीज हमने पूरी पूरी यूज की और फिर इसको सॉल्व किया। तो उम्मीद है आपको ये अच्छा लगा होगा, और आप ऐसे ही क्वेश्चन करना सीखना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो स्टे ट्यून्ड एंड कीप वॉचिंग।